तो दोस्तों, रेस इंडिया की सबसे लोकप्रिय फिल्म फ्रेंचाइजी में से एक है। इस एक्शन थ्रिलर सीरीज की आखिरी इंस्टॉलमेंट में सलमान खान मुख्य भूमिका में नजर आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक बहुचर्चित फ्रेंचाइजी की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में इसकी नेक्स्ट रेस 4 पे काम चल रहा है। फिल्म की स्क्रिप्ट पर अभी काम चल रहा है, जिसे राइटर शिराज अहमद लिख रहे हैं और इसकी स्क्रिप्टिंग राइटर शिराज अहमद लिख रहे हैं। अगर सूत्र की बात करूँ तो शिराज, जिन्होंने फिल्म की पिछली तीनों इंस्टॉलमेंट में काम किया है, वो चौथे पार्ट पर भी काम कर रहे हैं। निर्माता रमेश तौरानी जल्द ही एक निर्देशक के रूप में काम करेंगे और अंतिम स्क्रिप्ट लॉक होने के बाद ही फिल्म की कास्टिंग शुरू कर देंगे। इस साल के अंत तक फिल्म के फ्लोर पर जाने की उम्मीद है। हालांकि बाकी चीज़ें कोरोना वायरस की स्थिति पर निर्भर करती है। बीते दिनों कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि जिसमें दावा किया गया है कि रेस 4 में सलमान खान, सुनील शेट्टी और सैफ अली खान नजर आने वाले हैं। हालांकि इन खबरों पर मेकर्स और एक्टर्स ने पक्की मोहर नहीं लगाई। सलमान खान इस सीरीज के तीसरे पार्ट में नजर आए थे, वहीं सैफ अली खान को रेस 1 और रेस 2 में देखा गया था। अगर रेस 4 में सलमान खान और सैफ अली खान की जोड़ी नजर आती है तो ये दर्शकों के लिए काफ़ी दिलचस्प होगा। सलमान खान इन दिनों टाइगर 3 की शूटिंग में व्यस्त है। इस फिल्म में अभिनेता के साथ कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी लीड रोल में हैं। वहीं दूसरी ओर सैफ अली खान जल्द ही रमेश तौरानी की फिल्म भूत पुलिस का भी हिस्सा होंगे। इस फिल्म में सैफ के साथ जैकलिन फर्नांडिस, अर्जुन कपूर और यामी गौतम लीड रोल में दिखाई देंगे। रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। तो दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड है सलमान खान और सैफ अली खान को एक साथ देखने के लिए? मुझे अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की लेटेस्ट खबरें देता रहता हूँ। जय हिंद।